अरे मंजू, अरीना मंजू, ऐसे चेन वेन पहन कर मत निकला करो, आजकल बहुत खींच रहे हैं चेन और फोन। अच्छा लो कलाकंद दिखाओ। अरे तो तीन दरवाजे वाला फ्रिज ले ही लो तूने। अरे कहाँ, अभी तो हमारी सास जिंदा है। ये तो कुणाल का पटवारी का पेपर निकल गया। अरे बहुत बहुत बधाई हो, है मोड़ा ने भी बहुत मेहनत करी। मेहनत तो बहुत करी। भंडारा कभी रखवा रही है? बस कुणाल की पहली तनखा आते ही भंडारा करवाऊंगी। और हाँ, सत्तू जेल से वापस आ गया। वो तो जेल मिल नहीं गो तो, वो तो वो कहा कहे कील रील बनाने गो तो बस। अच्छा, मोहल्ले के 40-50 लोग झूठ बोल रहे हैं। अब तू अपने मोड़ा को संभाल ले, जा रहे हैं हम। पटवारी परीक्षा, पटवारी परीक्षा, पटवारी परीक्षा, पटवारी परीक्षा, हाय हाय, पटवारी परीक्षा, हाय हाय, अरे पटवारी परीक्षा, पटवारी, पटवारी परीक्षा स्कैम है, पटवारी परीक्षा यार। पटवारी परीक्षा, रक्तदान है जीवन दान, हिंदी में लिखो और भारत माता की जय भी। हाँ कर लो, कर लो। हाँ भैया प्रणाम। हाँ भाई, सियागंज के महामंत्री, कहाँ हो यार तुम लोग? अरे भैया ये परदेसी पूरा क्षेत्र में ही हूँ। क्या है कि एक आदमी दादाजी की जो है बरसी है, तो वो रक्तदान शिविर का आयोजन कराया, वही उपस्थित हूँ, आदेश दीजिए। तुम भोसड़ी के फ्री के बिस्किट और केले के लिए मतलब रक्तदान कर रहे हो, और यहाँ पे हम सुबह से कुत्ते बने पड़े हैं। अरे भैया आप ही का भौकाल बना रहा हूँ। वो हुआ पोस्ट? अरे फेसबुक पटल खोल के देखिए, पोस्टे पोस्ट कर दिया हूँ, धुआं धुआं कर दिया हूँ एकदम। हमारा भौकाल बना रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे जल्दी आओ यार, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। खाली पेट की डकार होगी भैया। अरे हाँ हाँ सही बोल रहे हो यार, वो खाली पेट का डकार नहीं होता। काम करो, उधर है तो बिस्किट और केला मिल ही रहा होगा ना तुम लोगों को। खाना मत लेते आना फिर वो तो। ठीक बिल्कुल, ये सब कहने के बाद थोड़ी भैया, ये अपना वाला भी ले लेना तुम केला। भैया प्रणाम, क्या हो गया, नारा लगाते हैं? चलिए व्यापम दो से आजादी, भुखमरी से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जब आजादी क्या चल रहा है, ये कहाँ खड़े हम? भैया कबीर खड़ी। हाँ तो जेनी वाले नारे कहाँ लगा रहे हो तुम लोग, क्या करें फिर? अरे यार तुम लोग मेरे को मारो। हाँ भैया मेरे को मारो यार तुम लोग। अरे नहीं भैया, पाप पड़ेगा भैया, क्या बोल रहे हैं भैया? जूते से किसने मारा भे? कौन मारा भे जूता? नहीं 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 पता। अब क्या करना? अब देखो सालो, असली राजनीति किसे कहते हैं। वीडियो बन गई थी ना? हाँ वीडियो बन गई। सत्तू भैया जिंदाबाद, सत्तू भैया जिंदाबाद। देश मेरे, देश मेरे। पटवारी परीक्षा वेपम 2.0 है, पटवारी परीक्षा घोटाला है यार। प्रबल हम लोग यार प्लेयर बनने में लगे रहते हैं, सत्तू भैया गेम ही चेंज कर देते हैं बे। सही कह रहे हो भैया, अपन तो सत्तू भैया जैसे बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शेर तो पैदा होते हैं, बनाए थोड़ी जाते हैं। अरे
अरे बस 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 चलो, कैसा हाल चाल? बस आपकी दुआ कृपा है, जलवा है भैया। और सब बढ़िया? बढ़िया, बस आपकी दुआ कृपा है। नया बहने ये रुद्राक्ष हमको भी मिल जाता तो। अरे मिलेगा मिलेगा, तुम अच्छे नेता तो बनो पहले। कहाँ जा रहे हैं भैया? डीआईजी साहब मिलने के लिए बुलाए थे। बोल रहे थे भैया कि अगर हमारा वीडियो G20 से पहले वायरल हो जाता तो अफ्रीकन का स्वागत हम ही कर रहे होते। क्या बात भैया, अफ्रीकन का तो स्वागत आप ही कर सकते हो, लेकिन आपको पटवारी परीक्षा से क्या दिक्कत हो गई? अरे दिक्कत ही दिक्कत है पटवारी परीक्षा से। वो जो धीरज नाम का लड़का था जिसको चिप लगाए थे अरविंद भैया, हाँ हाँ, जिसके बाप को नोटिफिकेशन जाता था, जिसको झटके लगते थे, जो हमेशा बाथरूम में ही पाया जाता था लोकेशन जिसका, वो बंदा जब पटवारी बना, अरे साले टाइम कब मिला पढ़ने का, फिर भी जब वो पटवारी परीक्षा पास हुआ तब हमें समझ में आ गया ये साला घपला हुआ है भैया। लेकिन सालों हो गए हैं, अपन लोगों तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन सत्ता तक कब पहुंचेंगे? अरे पहुंच गए हैं यार सत्ता तक, और कितना दूर है सत्ता? तुम लोग ये सोचो कि विभाग कौन सा लेना है, बाद में झगड़ा नहीं होना चाहिए विभाग का। आज पूछो किसका कॉल आया रहा। किसका भैया? होम मिनिस्टर। वीडियो वायरल हुई, विधायक टीम चर्चे चल रहे हैं, उन्हीं को होगा। पुतिनवा भैया, हम बता दे रहे हैं रशियन रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वो हम करेंगे। पहले से बात कर लिया हूँ बेटो। कोई बात नहीं, झगड़ा मत करो, रशियन रिलेटेड कोई भी काम रहेगा हम तीनों मिलकर करेंगे। अलग अलग जी जी जी। अभी पार्षद का कॉल आया था, मिलने के लिए बुला रहा था। मना किया नहीं आप? अरे भौकाल टाइट कर दिया मुझका, इतना डांटे पार्षद घुटनों पे आ गया, कह रहा कि अगली बार घोड़ी भी बन जाएंगे। तुम बस मिल लो तो मिलेंगे, चलना पड़ेगा। देखिए भैया, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर व्यवहार और व्यापार ठीक ठाक लोग उस करना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाता है, नुकसान हो जाता, हम नहीं जाएंगे। गुड्डू, राजनीति में सांप से भी दोस्ती करनी चाहिए और नेवले से भी। जी जी, कब किसका काम आ जाए कोई नहीं जानता। सही बोल रहा भैया, तुम हम पे भरोसा रखो, ये पार्षद काम का बंदा है, हमें आगे ले जाएगा। चलो तुम। आप बड़े भाई हैं तो कहेंगे। गुटके का? अरे नेता बन गए यार तुम। हम चलाएं भैया? चलाओ चलाओ। फोर व्हीलर का लाइसेंस है? ट्रक वाला है भैया। अरे चलिए बढ़िया, बैठिए भैया। बड़े कांटेदार सीट है आपकी। अरे कुछ नहीं चुभ रहा, कुछ नहीं चुभेगा। अरे गुड्डू। हाँ हाँ भैया। उधर हो? चालू नहीं हो रही है ट्रक, थोड़ी ना है। अरे हाँ हाँ, अरे पेट्रोल भरवाना था। पैसा चेंज है क्या तुम्हारे पास? 30 का भैया, 2 रुपए हमारे पास। ठीक है चलो 22 का डलवा लेते हैं। गुड्डू थोड़ा पीछे धक्का दो। अब समझ में आया इसे घर नहीं कोठी क्यों कहते हैं। माता जी, ये टीवी की आवाज कम कर दीजिए, यहाँ मीटिंग चल रही है। अरे भड़वे, तू सबको घर पे क्यों बुला लेता है? पटवारी वाला वीडियो देखे हम तुम्हारा, विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं, इस देश का भविष्य तो युवा नेता ही बना सकते हैं। हाँ, और भैया को अभी G20 की। अरे भैया बस आपका आशीर्वाद है। नहीं है। क्या मतलब? आशीर्वाद नहीं है पर अब होगा। अरे भैया, तुम्हें पता है एक अच्छा नेता बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जनता में पकड़ होना और क्या। अरे नहीं गुड्डू, अंधा पार पैसा भैया जी, है ना भैया जी? नहीं, बेशर्मी, और वो तुम में कूट कूट कर भरी है। अरे भैया बस आप सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही जनहित का कल्याण करते रहेंगे हम लोग। अब हम विधायक बनेंगे तो इस कुर्सी पे बैठने के लिए कोई तो चाहिए ना। विधायक तो हमेशा सूरजमुखी पार्टी का बनता है। देखो गुड्डू, ऐसा है, सत्ता और मौसम दोनों बदलते रहना चाहिए। मौसम फसल के लिए और सत्ता विकास के लिए। और फिर युवा नेता से नेता बनने के लिए तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा। ये प्रूफ करना होगा कि तुम पार्टी के लिए फंड्स लेके आ सकते हो,
या नहीं? बस भैया समझिए, काम हो गया। पूछ तो लीजिए काम क्या है जो है ना। करना क्या होगा भैया जी? भैया आपके सम्मान में ये सब कर रहे हैं हम। गुड्डू, हर मोदी जी के लिए एक अमित शाह की जरूरत पड़ती है, तुम अच्छा कर रहे हो। अरे तो औरतों से दारू लेगा कौन? बेटा ट्राई डे के दिन ना जब प्यास लगती है तो आत्माओं से भी दारू ले लेते हैं ये लोग। गौर, कलयुग आ गया है, औरतें शराब बेच रही हैं। लो भाभी एक बोतल दो। ऐसा तो ये लो। गोरी वाली कल्लू भैया वाली भाभी नहीं लग रही। निकल लो उड़े। का वही है, प्यार से गाली दिए तुमको। बहुत प्यार से भाई। यार क्या करवा रहे हैं भाई, घर चलिए। गुड्डू, एक युवा नेता को अपने बड़े नेता के कहने पे अवैध धंधा भी करना पड़ता है, पार्टी फंड का जुगाड़ हो रहा है। निकलो तन्ना दूर और चलो, पीछे के बट्टा मोरो गले से मैं मोड़ चलो, टपरा में पान खा के पैसा दे भूल गाओ, टपरा वालो मोरी कालर पकड़ झूल गाओ, ले ले मोरी कैसेट फस गई, मोरी पूरी कालर पट गई, ले ले मोरी कैसेट फस गई, मोरी पूरी कालर पट गई। रोहिया को तो मजा आ जाएगा, बहुत पैसे हो गए हैं। का गुड्डू, क्या लगता है ये राजवीर शराब गिन के दिया होगा? भैया देखिए, आदमी तो दर हराम ही है, पर हमको नहीं लगता गीना होगा। निकाले एक एक हो जाए। हैं? एक एक हो जाए। प्रबल बेटा सट्टे से मूंग दाल लेके आ जाओ। हाँ भैया। हाँ हाँ हाँ, कहाँ कहाँ सर, सारा पैसा लेके कहाँ? मूंग दाल के लिए 50 रुपए में मूंग दाल आएगा। शराब ड्राई डे के दिन मजा आता है क्या बोलते हो? प्रबल जल्दी लाओ चखना। एक मसाला पापड़ भी कर दे। दो। उसमें किचन किंग मसाला डाल देना। एसिड फंस गई। अल्लाह, ये कौन है भाई? ड्राई डे के दिन दारू, वो भी नीट। वाह भाई वाह। देखिए लेडी सिंगम, आप जो भी हैं, थोड़ा हम हमसे तबीयत से कैसे कि हम राजवीर सिंह की औरत आदमी हैं हम लोग। आदमी तो तुम कहीं से कहीं तक नहीं लगते। हाँ, और ये कौन है राजवीर झाटू? जरा थाने बुलाओ उसको। भैया आप डीआईजी को संपर्क करिए तो अभी इनको हम लेडी सिंघम डांस कराते हैं। अरे देखो, करने को तो हम महिला कल्याण मंत्रालय को कॉल कर दें, लेकिन बात ऐसी है कि ये छोटी मोटी बात है, अब किसको क्या। औरतों से ऐसे पेस थोड़ी ना आते हैं। मी टू। हां, डोंट डू दिस मैन। आई नीड माय लॉयर। ऐसे मत टच कर। अरे भैया, अरे ये देखो साड़ी पल्लू गिर जाएगा। अच्छा गुड्डू, ये सब इंटरनल चोट के लिए बर्फ के पानी से सिकाई करेंगे, गर्म पानी से? हाँ, हमारा मूड खराब है, बता रहे हैं कि इससे सही होगा उससे। आप हमारी बात कभी नहीं सुनते हैं यार। अरे क्या नहीं सुनते, तुम बोलो हम सुनेंगे। हम बोल रहे थे कि पार्षद के चक्कर। कोठी पर पहुंचो तुरंत। चलो बेटा चलो। फिर नहीं सुने आप? अरे इसकी बात तो सुन ली। चलो बेटा, पार्षद बुला रहा है, हमको नहीं आना फिर से वक्त। अरे चलो यार, साथ में पिटे हैं, साथ में सुनेंगे जो सुनेंगे। यार साड़ी में पका पकाया काम दिए थे, उसमें भी हद दिए साले तुम। भैया जी अब क्या करें, मुसीबत ही ऐसी थी, पैसा देना ही एकमात्र उपाय था। तुम्हारा बात छोड़ के गया था वहां शराब। पार्षद जी, खाली चड्डी नहीं उतरी हमारी वहां पे, बाकी सारे इज्जत की माँ बहन लग चुकी है। भाई दूसरी बात, आपके इज्जत की, सम्मान की, व्यवहार की, विधायकी की, तो आपके घर के बाहर जो है कुत्ता, वो भी आपको पहचानता नहीं है। पता वो लेडी सिंघम क्या बोल रही थी आपको नाम बताने पे? कौन है ये झांटू? झांटू हमारे घर में आकर हमें ही झांटू कहोगे? और सुन ले सत्तो, आखिरी मौका दे रहा हूं, और इस बार पूरा 100% हमारा होगा। अगर काम नहीं हुआ ना, तो इस क्षेत्र के युवा नेता तो क्या किसी क्षेत्र के युवा नेता नहीं बन पाओगे। ठीक है भाई। अरे गुड्डू, गुड्डू यार नहीं सुनना भैया। अरे रुको भाई, बताइए। देखो गुड्डू, सिस्टम ऐसा है कि हर आदमी के ऊपर एक आदमी है जो
उसकी मार रहा है, हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाए ये चलता रहेगा। भैया आपके साथ है, हमारे साथ नहीं है, हम नहीं झेल सकते ये सब। तुम फालतू में सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल क्यों ना हो यार, बड़ा भाई मानते हैं हम आपको, खाली बोलते नहीं है, इज्जत करते, सम्मान करते हैं, वैसे व्यवहार करते हैं आपके साथ। और आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, कभी छोटे भाई की नजर से देखे? आपके सामने वो दो थप्पड़ हमको मार चुका है, आप चू तक नहीं बोले। यार राजनीति के नाम पे हम ये गलत काम नहीं कर सकते हैं, इतने सस्ते आदमी नहीं है हम। हम सस्ते आदमी हैं? अरे पॉलिटिशियन है भाई, पॉलिटिशियन पहले क्रिमिनल बनता है, फिर पॉलिटिशियन बनता है, फिर क्रिमिनल बनता है, ये क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी की मांग, बड़े आदमी के हैसियत देख के, औकात देख के चाटना हमको नहीं आता है, नहीं चाट सकते हैं हम। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारे नजर से गिर चुके हैं, वो सम्मान खत्म हो चुका है आपके लिए हमारा। रही बात ये पार्षद ओसड़ी वाला, ये जब तक इसका थप्पड़ हम वापस नहीं करते तब हम चैन से सांस नहीं लेंगे। गुड्डू पाठक नाम है हमारा, बताएंगे इसको हम। और राजनीति की बात है ना ओसड़ी के, सिखाते हैं हम राजनीति, जाइए चाट लीजिए, पार्षद बन जाएंगे, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। अरे बेटा कल के लौंडे तुम हंडे से निकले नहीं, हमें राजनीति सिखा रहे हो। जो भी करना फील्डिंग मजबूत रखना, क्योंकि अब बैटिंग हम करेंगे। रही बात नाम की, तो हमारा नाम भी सत्तू है भोसड़ी के। निकलो अब तुम। पार्षद को हम सबक सिखा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। सत्तू भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। आप एकदम सही कह रहे हो, सत्तू भैया को आपके साथ ऐसा तो नहीं करना था। खैर आपको पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए इस एपिसोड को, और इसमें 50,000 लाइक तो हो जाने चाहिए यार, और सब्सक्राइब करिए द ब्लंट।